तो मेरे कान में लफ्ज ताजिया आके टकराया। ये अरबी लफ्ज है ताजिया, उर्दू में हम इसी को ताजियत कहते हैं कि जब किसी के यहाँ गम हो तो हम ताजियत के लिए उसके घर जाते हैं। अब अगर आपकी ताजियत का तरीका ठीक ठाक है तो सभी कहेंगे बड़ा ऐसा बड़ी मोहब्बत है जो ताजियत में, मेरे बाप मर गए तो ताजियत में आया, अल्लाह के लिए अच्छा है। अगर नाश्ता हुआ, कूदता हुआ, सिलमी अंदाज से आया, भाई काय को आए, बोले ताजियत के लिए आया, तो भाई ऐसी ताजियत अपने घर में लेके चला। तरीके पर बहस होती है। तो जो सबसे पहले दुनिया में जिसने ताजिया बनाया उसकी नीयत क्या थी? आज की ताजियादारी आज के आवारा लोगों पे छोड़ो, आज की ताजियादारी आज के आवारा लोगों पे छोड़ो, आज की ताजियादारी आज के आवारा लोगों पे छोड़ो। लेकिन जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया तो नीयत क्या, उसकी नीयत ये थी कि मैं करबला से दूर हूं, हर साल करबला देखने जाता हूं, जन्म में मैं फंस गया हूं, करबला जा नहीं पाऊंगा, तो एक यादगार बना लो। निशानी नीयत थी, निशानी बनानी थी। और निशानी किसे कहते हैं? जो असल ना हो। निशानी का काम है याद दिलाना, असल की तरह कभी नहीं होती। कुरान में है, कौन इनकार करेगा कुरान से? इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा अल्लाह की निशानी है, सफा मरवा पहाड़ी है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए उनकी अम्मा पानी को ढूंढने में सफा पे चढ़ गई कि कहीं दूर तक पानी दिख जाए, कहीं दिखा, तो दौड़ती हुई मरवा पे गई, सफा से मरवा, मरवा से सफा। एक अल्लाह वाली का कदम, एक पाक औरत का कदम सफा मरवा पे पड़ जाए तो सफा मरवा को कुरान कहता है अल्लाह की निशानी है। छाती पे हाथ रख के बताओ, काबा देखते हो तो पता याद आता है कि नहीं? बेशक काबा अल्लाह की निशानी बिल्कुल है। वली को देखो तो पता याद आता है कि नहीं? वली भी खुदा की निशानी है। जब किसी सैयद को देखते हो तो अहले बैत याद आते हैं कि नहीं? वो भी उसकी निशानी है। ईमानदारी से बताओ, जब तुम ताजिया देखते हो तो सौदाए करबला याद आते हैं कि नहीं? निशानी है। अब निशानी कहीं असल की तरह होती है? न सफा मरवा खुदा की तरह है मगर निशानी है, अहले बैत रसूल की तरह नहीं मगर निशानी है, काबा भी खुदा की तरह नहीं है मगर निशानी है। ताजियानी हुसैन की तरह नहीं मगर निशानी है। जब हम अलम देखते हैं तो अब्बास और अम्बा याद आते हैं कि नहीं? अब याद आना भी मना कर दोगे? हाँ, तरीके पर नजर रखने की जरूरत है कि तरीका आपका सही होना चाहिए। अरे मीला शरीफ कितनी उमदा चीज है, तरीका गलत करोगे तो मस्जिद में जाना कितना सवाब की बात है, नाचते हुए जाओगे, ढोल बजाते हुए जाओगे तो तरीके को रोका जाएगा, निशानी को नहीं। हमारे जितने उलमाए किराम ने होशियार किया है ताजियादारी के बारे में, उन्होंने मुरव्वजा ताजियादारी पर बात की है। मुरव्वजा ये जो उन्होंने रवाज बना लिया उल्टा सीधा, इसको बंद करो। अभी क्या उर्स हराम है? लेकिन जो मैं गलत तरीके से उर्स करोगे तो रोका जाएगा। गुरु चलाओ उर्स को नहीं रोकेंगे, उसमें जो खराबियां शामिल हो गई है उसे निकालेंगे। इसलिए अपनी अपनी खराबियां दूर करो और निशानियों के पीछे चलो। आला हजरत ने मना किया, अबे तुम्हें आला हजरत को पढ़ाई के सुना
उससे ज्यादा हम जानते हैं क्योंकि किचौछे के पेट में क्या है बरेली को पता है, बरेली के पेट में क्या है किचौछे के पता है। लिखा उसमें क्यों लिखा कि अगर नक्शे सही या बर्बर है सही बनाया जाए तो ताजिया बना कर रखा जा सकता है, नक्शे सही या बर्बर है सही बनाया जाए तो ताजिया बना कर रखा जा सकता है। ताजिया के खिलाफ कहा है, मुरवजा के खिलाफ है, मुरवजा के खिलाफ देना भी, मुरवजा के खिलाफ देना भी, मुरवजा के खिलाफ देना भी। और आपको भी मुरवजा, मुरवजा माने जो राज हो जाता है या जो चल जाता है, जो चला दिया जाता है, जो घुसे हो दिया जाता है, गड़बड़ सड़बड़ लुगा लो, अब महिला महिला माल बचाओ, अब महिला महिला माल बचाओ। तो ये न मानना कि काजी में इमाम हुसैन है, काजी में अली अजहर है, काजी में नहीं, निशानी में असर होता कहाँ है, अंगूठी में हाजिर नहीं, सफा मरवा में खुदा नहीं, तो खुदा कह दीजिए आप उसको कि खुदा की तरह सफा मरवा, इसलिए निशानी असल की तरह होती है, असल और होता है, निशानी और होती है, निशानी का काम है असल को याद दिलाए। तो कोई यजीदी होगा जिसको तकलीफ और हुसैन से याद आने लगे, मेरा इमाम ना ऐसा था ना है, न कभी हमारा कोई इमाम है।